हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर तो ये एक EMC कंपनी है, मतलब इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एंड ये टाटा प्रोजेक्ट्स की एक सब्सिडरी भी है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है, एंड अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 277 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। 87.2% है कंपनी की ROC, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 3% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, एंड फेस वैल्यू 1 रुपए की है। अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एंड यहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूज है वो लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, मैं हर एक वैल्यूज को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा। तो जून 2022 के क्वार्टर की जो नेट इनकम है वो है 37.45 करोड़ की, एंड जो प्रॉफिट है वो है नेगेटिव बाई 4.89 करोड़। मतलब जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया है। अगर ये जून 2021 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है इन जून 2022 के क्वार्टर, चाहे वो इनकम से कंपेयर किया जाए या तो फिर प्रॉफिट से। अगर जून 2021 की इनकम देखा जाए तो वो था 39.43 करोड़ की, एंड जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने 55 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो कि अभी आके नेगेटिव 5 करोड़ की हो चुकी है। और अगर ये मार्च 2022, मतलब अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस किया है अगेन, एंड ये सिर्फ और सिर्फ हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है। अगर देखा जाए तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो अदर इनकम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है टाइम के साथ साथ, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर तो FY 2022 में भी कंपनी ने लॉस दिया, लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 5 करोड़, एंड मुझे तो यही लग रहा है कि FY 2023 में हो सकता है कंपनी 10 करोड़ या तो फिर उससे भी ज्यादा की लॉस दे दे, क्योंकि अकेले जून क्वार्टर में ही कंपनी ने 5 करोड़ के आसपास की लॉस ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है, एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास, एंड रिजर्व भी जो है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बेकार है इस कंपनी की। और अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक कंपनी के पास पॉजिटिव 21 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो डिटोरिएट होकर नेगेटिव 4 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो इस कंपनी में एक ही प्रमोटर की होल्डिंग है जो कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, क्योंकि ये कंपनी जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स की एक सब्सिडरी है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। और अगर पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो इस कंपनी में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या इस कंपनी में आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये टाटा प्रोजेक्ट्स की एक सब्सिडरी है, मतलब इनडायरेक्टली ये टाटा ग्रुप की एक पार्ट है, एंड आप लोगों को तो पता है कि टाटा ग्रुप मेरा फेवरेट ग्रुप है अमॉन्ग अदानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप एंड टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इज माई मोस्ट फेवरेट ग्रुप, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन व्यूज लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आप लोग को ज़्यादा फायदा इस कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यूज रखते हो, 5 साल 10 साल या तो फिर उससे भी ज़्यादा का व्यूज रखते हो, तो ये कंपनी आप लोग को बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे के जा सकती है, क्योंकि टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक पिटता नहीं है। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे।
सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो दो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है इस कंपनी के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली 70 रुपये के आसपास इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। और अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेडर्स को कैसे ट्रेड प्लान करना है इस कंपनी में। तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल कन्फर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 70 रुपीज। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल कन्फर्मेशन शो करेगी तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फास्ट टारगेट ये रहा एंड सेकेंड टारगेट ये। और वहीं पर अगर कंपनी ऐसे स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल कन्फर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 50 रुपीज। जब कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो, ये होगा फास्ट टारगेट एंड ये होगा सेकेंड। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।